ओके, टॉप से मेजर कर लिया है एंड बॉटम से मेजर करके मैंने डॉट्स मेंशन करके अब मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। स्टेप नंबर वन फॉर लैंडस्केप। अब स्टेप नंबर टू मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है पोर्ट्रेट से। स्टेप नंबर टू यहाँ पे 21 है, यहाँ से यहाँ तक 21 का हाफ कितना हुआ 10.5। इस 10.5 यहाँ पे मैंने मार्क किया और 10.5 मैंने अगेन यहाँ पर मार्क कर दिया, बिल्कुल एडजस्ट करके परफेक्ट 10.5। नाउ मैं इसको रोटेट करके लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फुल शीट पे होगा यहाँ पे। ओके जी, सेंटर पॉइंट डिफाइन हो गया आपका। स्टेप नंबर टू कंप्लीट। दिस वन इज फॉर लैंडस्केप राइट, सही है। ओके, मैंने इसको सेंटर में रखा बिल्कुल 14 पे, एडजस्ट किया स्केल को एग्जैक्ट किया, देन फिर अगेन 2 सेंटीमीटर की ग्रेड बना रहा हूँ। तो 2 सेंटीमीटर की ग्रेड के लिए मुझे 14 से 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28। और मैं इसी एडजस्टमेंट के अंदर इसको स्केल को मैंने हिलाया नहीं है, मैं अब राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा हूँ। 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, सही है जी। टॉप से किया बॉटम से 14 पे एडजस्ट किया, स्केल को स्ट्रेट रखा, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 12, 10, 8, 6, 4, 2 और 0। अब आप ये लाइन डॉट्स के साथ डॉट को मैच करेंगे एंड ड्रॉ कर देंगे लाइन। पोर्ट्रेट जैसा है, ये ग्रिड जो है फॉर लैंडस्केप है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंसेस होंगे। हाँ, ये डिफरेंसेस क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके डिफरेंसेस की वजह है। अगर मैं अभी पहले ये कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको गाइड कर देता। लेफ्ट कर दिया आप राइट की तरफ, राइट सेम टेक्निक यूज करनी है आपने लाइन ड्रॉ करने के लिए, डॉट के साथ डॉट को मैच करना है एंड देन पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो आपका नीडल पॉइंट बना होना चाहिए, बस यू शुड रिमेंबर द नीडल पॉइंट। अगर नीडल पॉइंट नहीं होगा देन फिर आपकी लाइन सही प्रॉपर ड्रॉ नहीं होगी। ये मेरी ग्रिड थर्ड स्टेप कंप्लीट है। अब फोर्थ स्टेप के लिए मैंने अगेन सेम काम किया, सेंटर लाइन स्केल को एडजस्ट किया 13 पे, 13 अप टू 12 पे कर लेते हैं ताकि हमारा ओड और इवन का प्रॉब्लम ना हो। आपको 14, 16, 18, 20, 22, 10, 8, 6, 4, 2, राइट। अब नाउ लेफ्ट पे, अच्छा लेफ्ट पे अगेन मैंने 12 पे एडजस्ट किया, देन 12 पे एडजस्ट करने के बाद 14 नजर आ रहा है ना, 14, 16, 18, 20, 22, 10, 8, 6, 4, 2, राइट। अब मैं इसको पेपर को रोटेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा रोटेट करके देन फिर लाइन्स को ड्रॉ कर दूंगा। लाइन्स को डॉट्स को मैच कर करके मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, माइनस की मिस्टेक होगी, जूम जब आप करेंगे तो आपकी मिस्टेक जो है ना बड़ी हो जाएगी। ओके जी, अब वापस रोटेट करते हैं जी, इसको वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पे ले आए। ऑल कॉर्नर्स विल बी 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 कॉलम्स,
आवाज आ रही है ना आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 रॉस 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इसको दोबारा अब आप इसको गौर से देखिएगा, मैं आपको इसकी पिक्चर दे दूंगा। अब इसमें हमने क्या कॉन्सेंट्रेट किया हुआ, इसमें हमारा जो है ना फोकस एरिया जो है वो सेंटर पॉइंट है ये वाला, सही है जी? अच्छा, लेकिन अगर हम पोर्ट्रेट स्टाइल में आ जाते हैं तो पोर्ट्रेट स्टाइल में हमने फोकस सेंटर को नहीं किया है, हम यहाँ से मार्जिन लाइन से चल रहे हैं, हमने मार्जिन कितना देना है, अगर हमने मार्जिन और देना होगा तो ये जीरो हम यहाँ से कंसीडर कर लेंगे, नंबरिंग आगे नीचे ले आएंगे, सही है जी? डन।